दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। अजमेर में गुरुवार की सुबह कोरोना पॉजिटिव के 4 नए कोरोना मरीजों के साथ साथ राहत की खबरों की है। राहत की खबर यह है कि जेलेन अस्पताल में अब कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। वहीं 4 नए मरीज नला बाजार होलीदाड़ा और उसी गेट के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 40 से 76 के बीच है। और इसी के साथ अजमेर शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 150 तक पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग की टीम युद्ध स्तर पर नला बाजार मुस्लिमोची मोहल्ला पहाड़गंज उसरी गेट लाखन कोटड़ी से सैंपल कलेक्शन का काम कर रही है जिनकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। वहीं बीते 48 घंटे में उसरी गेट क्षेत्र से पॉजिटिव मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। बीती रात एक बच्चे की रिपोर्ट यहीं से पॉजिटिव आई थी। बुधवार को आए पॉजिटिव केसेस में से 10 लोग उसरी गेट इलाके से ही हैं और इसी कारण चिकित्सा विभाग ने इस इलाके की ओर फोकस कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने यहां पर विशेष टीम लगाकर सर्वे करने के साथ ही यहां पर वरिष्ठ डॉक्टरों को लगाया है। ये चिकित्सक सीधे आमजन से जानकारी एकत्रित करने के साथ साथ फीडबैक भी लेंगे ताकि यहां पर मुस्लिम मोची मोहल्ले जैसी स्थिति ना बने। वरिष्ठ चिकित्सकों को जिम्मेदारी दिए जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर कोई संक्रमित मरीज के संपर्क में आया है तो उसे समय रहते पहले ही ट्रेस कर लिया जाए। वहीं शेल्टर होम में 16 अप्रैल को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। शेल्टर होम में 2 भाई बांग्लादेश के भी थे जिसमें मंगलवार को 8 मरीजों की 2 बार सैंपलिंग जांचने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा बुधवार को 6 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विभाग ने इन सभी 14 नेगेटिव मरीजों को जांच के बाद तबीजी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। यहां पर अभी 14 दिन तक इन्हें रखा जाएगा। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जो सबसे पहले अजमेर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया था वो भी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत जल्द अजमेर अपने घर वापसी करेंगे। इसके साथ ही ख्वाजा मॉडल स्कूल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में मिले पॉजिटिव मरीजों की पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन बाद में वे पॉजिटिव हो गए और इसी कारण से इन सभी की नियमित जांच लगातार की जा रही है। जिले में अब तक पॉजिटिव की जो संख्या है वो 150 हो गई है। इसमें से अकेले अजमेर शहर में 148 मरीज हैं। इसके अलावा एक मरीज ब्यावर के रूपनगर और दूसरा किशनगढ़ के अराई से मिला है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पहाड़गंज और उसरी गेट क्षेत्र में पॉजिटिव मिलने के कारण कर्फ्यू का दायरा तोबरा तक बढ़ा दिया है। बुधवार को इस क्षेत्र में भी चिकित्सा विभाग की एक टीम ने दौरा करके जानकारी एकत्रित की है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी अजमेर वासियों के लिए है कि इलाकों के अंदर 10 वर्ष के जो मासूम बच्चे हैं और 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी गहनता से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुरंत प्रभाव से चिकित्सा विभाग को ये आदेश है कि उनके सैंपलिंग कलेक्ट किए जाएँ और उनके तुरंत प्रभाव से कोरोना की जाँच करवाई जाए। और इस काम के लिए जो मोबाइल डिस्पेंसरी वैंस अभी अजमेर में शुरू हुई है उनको भी ये जिम्मेदारी अलग से दे दी गई है। परसों 8 रिलीज़ हुए थे, कल 6 रिलीज़ हुए और 5 हमारे ऑलरेडी जयपुर में क्योर हो चुके हैं। 8, 5 और 6 इसको कुल मिला के 19 का ये जो आंकड़ा है ये हमारे क्योर हो चुके हैं और इस बाकी हमारे अभी तक 150 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। ये सारे एक ही कंटेनमेंट जोन के दरगाह के साइड के जो एक किलोमीटर से 3 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी एरिया में से सारे केसेस हैं। सर देखा जी ने कहा है कि जो ये अपने सैंपल लेने की कार्रवाई है उसको मीसा के तहत किया जाए तो क्या है मीसा कब तक इसको? लीजा है, इसके अंदर ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है जिनके कोई ना किसी की तरफ कोई बीमारी है, 60 साल से बड़े हैं, गर्भवती महिला हैं या 10 साल छोटे बच्चे, इन पर विशेष निगरानी रखी जाए। अगर इनमें से कोई भी इस लायक लगता है कि इनका इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या सैंपल की जरूरत है उसमें तुरंत सैंपल लिया जाए, सबसे मेन फोकस इस ग्रुप पे रखा जाए। तो आज हमारी जो स्किन टीम्स गई हैं वो भी यही टीम काम करेंगी और जो हमारी जो मोबाइल वैंस गई हुई हैं उनका भी उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि वो 60 साल से ऊपर या 10 साल से छोटे बच्चे या गलती मिला इन पर विशेष ध्यान रखें, अगर आवश्यकता हो तो उनको सैंपल्स के लिए आवश्यकता हो सैंपल लिया जाए। लीजा के तहत लीजा के तहत